नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इसे मौजूद है हम कश्मीर में, वो भी पहलगाम में। आप लोगों को यहाँ पे हम पूरा नज़ारा दिखाने हैं और हम भी यहाँ पे घूमने आए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप जब जम्मू से पहलगाम आएंगे तो आपको ये बहुत सा सुंदर सा दृश्य दिखेगा और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लंगर भी चल रहे हैं, आप यहाँ पे गुरुद्वारे में रह भी सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे होटल भी है। तो आपको लोगों को हमें पार्क का पूरा नज़ारा दिखा रहे दोस्तों। ये देखिए सुंदर सा नज़ारा, और पहलगाम का ये नज़ारा ही बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब चारों तरफ आपको बर्फ के पहाड़ी नज़र आएंगे, वो देखिए आपको जूम करके दिखा रहे दोस्तों। और बगल में ये देखिए दोस्तों झरने का नज़ारा, जो पहाड़ से पानी गिरते गिरते बहुत ही आगे जा रहा है। यही तो है बाबा अमरनाथ की पूरा ये नज़ारा। भूखे के अन्न और प्यासे को पानी, बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। ये पूरा पहलगाम का नज़ारा दिखा रहे दोस्तों। हम तो पहली बार आए हैं बनारस काशी से, तो हम भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटक है, घूमने वाले, दर्शन करने वाले हैं, वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये सब पूरा नज़ारा देखिए दोस्तों। वो देखिए सामने सेल्फी ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये पार्क है पहलगाम का जो है। आपको चारों तरफ से हम घूम के दिखाएंगे दोस्तों क्या क्या इसके अंदर है। और मैं थोड़ा निकलूं और ऐसे, और किसी भी पेड़ को तो छूना ही नहीं है। ये खूबसूरत सा दृश्य देखिए। अच्छा वो देखिए सामने दोस्तों, तो रास्ता लग रहा है मगर वो पहाड़ से बर्फ और पानी गिरते होंगे। नमस्कार भैया जी, कहाँ से आप हैं? बोले बोले, मुझे बोला। अरे आप कहाँ से? हम दिल्ली से हैं सर। दिल्ली से यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे यात्रा के लिए आए हैं। यात्रा के लिए? यात्रा कर चुके हैं हम? यात्रा कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। तो वहाँ पे पहाड़ पे कैसा नज़ारा है? वहाँ पे बहुत बर्फ है इस टाइम। अच्छा इस टाइम बहुत बर्फ है, मतलब श्रद्धालु के लिए कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा ना? थोड़ी दिक्कत श्रद्धालु को हो सकती है। अच्छा, आप जैसे अमरनाथ पहली बार यात्रा कर चुके हैं या इसके पहले भी कई बार? नहीं, इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ एक यात्रा। अच्छा, इस यात्रा में क्या चीज़ अनुभव होता है कि जो बहुत से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने, और ख़ास ही बहुत, और इस बार का जो सावन का महीना है, दो महीने का लग रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस टाइम सावन के महीना आपका कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, श्रद्धालु लोग। अच्छा, लगभग लगभग 60 दिन की दर्शन की है। अच्छा, लेकिन वो कम हो जाएंगे। अच्छा कम हो जाएंगे क्योंकि बर्फ होने के कारण वहाँ पे रास्ता नहीं है। अच्छा, रास्ते में तो कोई दिक्कत तो होता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लंगर की सुविधा होती है। दिक्कत नहीं होती है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी होती है। अच्छा, सर्दी के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा, जिन लोगों को जैसे BP वगैरह होता है तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना? बिल्कुल, उनको दवाइयाँ लेके चलनी चाहिए अपनी। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो
जैसा कि दोस्तों बताएं कि आप लोगों को अगर बीपी वगैरह का दिक्कत है तो आप दवा वगैरह और अच्छे से फिट होके आ सकते हैं। और यहाँ का एक सुंदर सा दृश्य देखिए, फूलों का नज़ारा। अब कुल्ले चलते हैं, आगे का दृश्य दिखाएंगे। अगर यहाँ देखिए पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है, तभी तो पहलगाम में बहुत हरियाली देखने को मिल रही है। और इधर देखिए अच्छे से देखभाल होती है। ये सब देखिए दोस्तों, और ये नज़ारा देखिए। और यहाँ पे जो भी बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं तो बहुत ही अच्छा ये जगह है पहलगाम। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। ये देखिए, आपको उधर ले चलते हैं। ये नज़ारा देखिए दोस्तों, पूरा पहलगाम का। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।